बेटा को बचा लीजिए। मेरा बेटा जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती से अनजाने में बोला गया, मेरा बेटा को बचा लीजिए, मेरे बेटा को माफी दीजिए, माफ करिए। हम सरकार से भी मैं विनती करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी विनती करती हूँ, मेरा बेटा को माफ कर दीजिए। तो गाइस पारस के अरुणाचल पहुंचने के बाद काफी लोग पूछ रहे थे कि यार ये 420 ओपी और जीटी स्मिथ को क्यों नहीं लाया गया, अकेले इसको क्यों लाया गया, कि उन दोनों में जो है रेसिज्म किया है एमएलए के साथ, नॉर्थ ईस्ट के जो एमएलए थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके साथ जो है रेसिज्म किया है, अभी ऑन स्ट्रीम लाइव मीडिया में सोशल मीडिया में आके रेसिज्म किया है, तो क्यों नहीं उनको लाया गया, क्योंकि ये अकेले तो फिर इसके साथ नाइंसाफी हो गया पारस के साथ, तो उन दोनों को भी लाना चाहिए, तो उन दोनों को भी लाया जाएगा गाइस, क्योंकि गाइस पुलिस की तरफ से एक तो अलग से ऑर्डर आ चुका है कि उन दोनों को जो है रेडार में ले लिया गया। जी हाँ गाइस, जो नॉर्थ ईस्ट मीडिया है ना, उन्होंने अलग से जो है पुलिस से पूछ लिया है कि क्या इन दोनों को भी अरेस्ट किया जाएगा, क्या इन दोनों को भी जेल लाया जाएगा, तो उन्होंने क्या कहा आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए। एंड सर, टू मोर यूट्यूबर्स हैड कमेंटेड, आर यू ट्रैकिंग देयर मूवमेंट्स आल्सो? हां वो है, दे आर अंडर द रडार। तो गाइस जैसे कि हमने सुन लिया कि न्यूज रिपोर्टर ने पुलिस से पूछा कि ये तो यूट्यूबर है 420 ओपी और जीटीएक्स पे, क्या इन दोनों को लाया जाएगा, तो गाइस पुलिस ने साफ साफ कहा कि वो दोनों भी रडार में है और कभी भी जो है वो भी आ सकते हैं, अगर जैसे ही उनको ऑर्डर मिल जाएगा ना, वो भी जो है इन दोनों को लेने जा सकते हैं। ठीक है, तो जीटीएक्स पे और 420 ओपी भी हो सकता है कि इसी महीने के अंदर जो है आ जाए अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, और उनको भी जो है सेम लॉज लगे जो पारस को लगा है। ठीक है, फिलहाल के लिए गाइस पारस कस्टडी में है अरुणाचल पुलिस का, और वहाँ पे जो है कोर्ट में पेशी होगी, और कोर्ट का अभी तक क्या रिजल्ट आया अभी तक पता नहीं चला है, कोर्ट का जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना मैं आपको बता दूंगा।